हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो इंटरव्यू में अक्सर कर स्टूडेंट्स से पुट किए जाते हैं। क्योंकि जो कंक्रीट है हमारा सिविल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, सिविल का कोई भी काम हो उन सारे काम में ऑलमोस्ट हमारा कंक्रीट यूज़ होता है। इस वजह से क्या है, हमारा इस सब्जेक्ट से स्टूडेंट से मोस्टली क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो आप बिना वीडियो को स्किप किए हुए लास्ट तक देखें, जिससे आपको सारे क्वेश्चंस पता चल सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, वो है टेल द नेम ऑफ टेस्ट ऑफ कंक्रीट लैब। कंक्रीट लैब में कौन कौन से प्रैक्टिकल होते हैं ये बताइए। तो हमें ये सारे प्रैक्टिकल पता होना चाहिए। पहला हमारा जो होता है वो होता है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट एज पर IS कोड। दूसरा होता है सिल्ट इन फाइन एग्रीगेट। तीसरा होता है टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीगेट। चौथा होता है बल्क डेंसिटी एंड वॉइड्स ऑफ एग्रीगेट। पांचवा होता है बल्किंग ऑफ फाइन एग्रीगेट। छठवां होता है वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट बाय स्लंप टेस्ट। सातवां होता है वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट बाय कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट। इसके अलावा और भी कई हमारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, लेकिन इंटरव्यूअर क्या है, वो केवल जानना चाह रहा है कि आपको कौन कौन से प्रैक्टिकल आते हैं, आप लैब में गए हो या नहीं गए हो। तो आप दो चार प्रैक्टिकल ही बोलोगे तभी आपको इंटरव्यूअर क्या है स्टॉप कर देगा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पुट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ टू चेक द क्वालिटी ऑफ सीमेंट इन फील्ड। फील्ड में हम सीमेंट की क्वालिटी को कैसे पता करते हैं कि सीमेंट हमारा अच्छा है या ख़राब है। तो मैंने ये पूरा वीडियो बना रखा है इस एक्सपेरिमेंट का, वहाँ जाके देख सकते हो। तो बेसिकली मैं आपको यही बता देता हूँ कि हम सीमेंट के बैग के अंदर हाथ डालें तो हमें कूलिंग फील होनी चाहिए। सीमेंट का बैग 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर सीमेंट के पार्टिकल को हम रब करते हैं तो हमें स्मूथनेस आनी चाहिए। सीमेंट को गर्म करें तो सीमेंट कलर चेंज नहीं करना चाहिए। ये बहुत सारी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी हैं सीमेंट की, जिनको हम बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी मशीन के कंडक्ट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है टेल अबाउट द मेन कंपोनेंट ऑफ सीमेंट। सीमेंट के मेन कंपोनेंट के बारे में बात करनी है, किस किस चीज़ से हमारा सीमेंट मिलके बना होता है, वो मेन कंपोनेंट क्या है। तो पहला हमारा होता है लाइम, इसे हम CaO से शो करते हैं। ये हमारा सीमेंट में 60-65% इसकी क्वांटिटी होती है। उसके बाद होता है हमारा सिल्का, इसका फॉर्मूला क्या होता है SiO2। इसकी जो हमारी क्वांटिटी है या परसेंट है वो 17-25% सीमेंट के अंदर ये हमारा सिल्का होता है। उसके बाद होता है हमारा एल्यूमिना Al2O3, इसका परसेंट हमारा सीमेंट के अंदर 3-8% होता है। ये क्या हमारे तीन मेन कंपाउंड हैं जिनसे मिलकर हमारा सीमेंट बनाया जाता है। इसके अलावा और भी होते हैं लेकिन ये हमारे तीन मेन हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट द नेम ऑफ बक कंपाउंड। बक कंपाउंड क्या होते हैं, हमारे सीमेंट के अंदर जब हम पानी डालते हैं तो ये सारे कंपाउंड एक्टिव हो जाते हैं, केमिकली ये वर्क करते हैं, सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो ये कंपाउंड हमारे क्या क्या होते हैं उनका नाम हमें बताना है। पहला होता है हमारा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, इसे हम शो करते हैं C3S से। दूसरा होता है हमारा डाई कैल्शियम सिलिकेट, इसे हम शो करते हैं C2S से। तीसरा होता है हमारा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, इसे हम शो करते हैं C3A से। चौथा हमारा होता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट, इसे हम शो करते हैं C4AF से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा सीमेंट सेंड रेशियो इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। जब हम सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं तो उसमें सीमेंट और सेंड का रेशियो क्या होता है। तो सीमेंट सेंड का रेशियो रहता है हमारा 1:3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वाटर रिक्वायर फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। जब हम सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं तो उसमें कितना परसेंट पानी डाला जाता है। इसके अंदर जो पानी ऐड किया जाता है वो किया जाता है Py4+3%। पी क्या है, हमारी सीमेंट की कंसिस्टेंसी होती है, जो हमारा कंसिस्टेंसी टेस्ट से, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट से निकाली जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सीमेंट क्यूब स्ट्रेंथ इन 1, 7, 14 and 28 days। मतलब हमारा सीमेंट का क्यूब है उसकी एक दिन में स्ट्रेंथ कितनी होती है, 7 दिन में कितनी परसेंट स्ट्रेंथ आती है, 14 डेज में कितनी आती है और 28 डेज में कितनी परसेंट स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। तो हमारा एक दिन में 60% गेन कर लेता है, 7 डेज में 60-65% स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, 14 डे में ऑलमोस्ट 90 degree स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, 28 डेज में 99 या लगभग 100% हमारा क्यूब स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। अब हमें बताना है मैक्सिमम बल्किंग ऑफ सेंड एट वाटर कंटेंट। मैक्सिमम बल्किंग हमारी सेंड की वो कितने परसेंट वाटर कंटेंट पे होती है, वो मैक्सिमम बल्किंग कितने से कितने तक हो सकती है। तो हमारा जी मैक्सिमम बल्किंग है वो 20-40% के बीच होती है। वाटर कंटेंट जनरली 4-8% हमारा
जो मॉइस्चर कंटेंट है वो एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब कर लेती है सैंड, और इसकी वजह से हमारी जो सैंड है बल्क हो जाती है। 4 to 8 या फिर 5% 5 to 6% के बीच हमारी जो मैक्सिमम बल्किंग है सैंड की वो देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सैंड विल बल्किंग मोर, फाइन और कोर्स? फाइन और कोर्स सैंड में से सबसे ज़्यादा बल्क सैंड कौन सी होगी? ये एक्सपेरिमेंट मैं कंडक्ट करा चुका हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में आपकी लिंक दे दूंगा, वहाँ से पूरा वीडियो पूरा प्रैक्टिकल देख सकते हो। तुम्हारी जो फाइन सैंड है उसमें बल्किंग ज़्यादा होती है, क्योंकि फाइन सैंड के जो पार्टिकल हैं उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से क्या है, इनके सराउंड वाटर लेयर ज़्यादा क्रिएट होती है, ये वाटर लेयर जो फोर्स लगाती है सरफेस टेंशन फोर्स होता है वो नेट फोर्स बढ़ जाता है। इस वजह से क्या हमारा जो फाइन सैंड है वो ज़्यादा बल्क होती है एज़ कम्पेयर टू मीडियम और कोर्स सैंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ बल्किंग ऑफ सैंड? बल्किंग ऑफ सैंड का रीज़न क्या है, कौन सा टेक्निकल फैक्टर है जो हमारा बल्किंग ऑफ सैंड के लिए रेस्पॉन्सिबल है? तो हमारा सरफेस टेंशन की वजह से क्या हमारा सैंड बल्क होती है। जो नेक्स्ट है हमारा, परमिसिबल लिमिट ऑफ सिल्ट इन सैंड, सैंड के अंदर हमारा सिल्ट की जो कंटेंट है वो कितने तक परमिसिबल है? तो हमें ये पता है कि 8% जो सिल्ट है हमारा सैंड के अंदर परमिसिबल है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि कंक्रीट की ग्रेड एंड इट्स रेशियो, इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है डायरेक्ट कि कंक्रीट की ग्रेड कौन कौन सी होती है और उनका रेशियो क्या होता है। तो आप बता सकते हो M5 में जो रेशियो रहता है वो रहता है 1:5:10, मतलब अगर 1 kg हमारा सीमेंट रहेगा तो 5 kg सैंड रहेगी और 10 kg एग्रीगेट रहेगा। इसी तरीके से M7 1:4:8, M10 1:3:6, M15 1:2:4, M20 1:1.5:3, M25 1:1:2, ये हमारी क्या है नॉमिनल ग्रेड होती है। इससे ऊपर जो हमारी ग्रेड जाती है वो फिर डिज़ाइन मिक्स में आ जाती है। अब हमें बताना है कि मीनिंग ऑफ M20 का मतलब क्या है। तो यहाँ M का मतलब है मिक्स एंड 20 मीन करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डे क्यूरिंग इन न्यूटन पर mm2। तो ये है आपका इसका मतलब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है, राइट द टाइप ऑफ सीमेंट ग्रेड, सीमेंट की ग्रेड की कितनी टाइप होती है जनरली वो हमें बतानी है। तो 33 ग्रेड का सीमेंट होता है, 43 ग्रेड का सीमेंट होता है, 53 ग्रेड का भी सीमेंट हमारा होता है। 33 ग्रेड का मोस्टली बहुत बंद ही हो चुका है ऑलमोस्ट, और 43 ग्रेड का सीमेंट हमारा जनरली जो भी वर्क होते हैं हमारा बीम कॉलम स्लैब लिंटल फ्लोर इन सब के 43 ग्रेड का यूज़ होता है। 53 ग्रेड का है जिन वर्क्स में हमें हाई स्ट्रेंथ चाहिए होती है वहाँ हम 53 ग्रेड का यूज़ करते हैं। तो ये क्या सीमेंट की ग्रेड है। स्टूडेंट आपसे बेसिक क्वेश्चंस ही पुट किए जाएंगे जब आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, बिकॉज यू आर फ्रेशर, आपसे कुछ भी लॉजिकल नहीं पूछा जाने वाला है, आपसे जो बिल्कुल बेस क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है वही डिस्कस किए जाएंगे। तो आप जो आपके बेसिक क्वेश्चन हैं उनको आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके इंटरव्यू में जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 43 ग्रेड, जो हमारी सीमेंट की ग्रेड होती है 43 ग्रेड का उसका मतलब क्या होता है? तो 43 न्यूटन पर mm2 इट इज़ करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज इन न्यूटन पर mm2। तो वही जो 43 का मतलब होता है वो क्या है, 28 डे की क्यूरिंग के बाद इसकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है न्यूटन पर mm2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ? तो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इट इज़ द स्ट्रेंथ बिलो विच ओनली 5% टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। मतलब ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान के चलिए आपके पास 100 क्यूब है, तो अकॉर्डिंग टू करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 100 क्यूब की जब आप 28 डेज के बाद स्ट्रेंथ चेक करोगे तो उनमें से 95 तो क्यूब ऐसे होंगे जिनकी स्ट्रेंथ जो भी गिवन है, मान के चलिए 43 ग्रेड का प्रिपेयर किया तो 43 आ जाएगी, केवल 5% ही क्यूब ऐसे होंगे जिनकी स्ट्रेंथ वेरी करेगी। ये होती है हमारी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द साइज ऑफ मोल्ड फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट। सीमेंट की जब हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं तो एक मोल्ड होता है उसका हमें साइज यहाँ बताना है। उसका साइज हमारा होता है 70.6 × 70.6 mm। ये हमारा साइज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द फाइननेस, सीमेंट की फाइननेस क्या होती है? तो फाइननेस ऑफ सीमेंट इज मेजर ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सीमेंट। फाइननेस में क्या है, हम सीमेंट के पार्टिकल के एक तरीके से साइज को पता करते हैं कि सीमेंट के पार्टिकल के अंदर कितने, मतलब जो उनका साइज है वो कितना है, तो वो हमें इस टेस्ट क्वेश्चन में वो है, व्हाट इज द फाइननेस ऑफ OPC, RHC,
पीपीसी, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, इसका मतलब है कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट की फाइननेस कितनी होती है। तो ओपीसी की फाइननेस होती है 10%, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की फाइननेस होती है 5%, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट की फाइननेस होती है 5%। ये टेस्ट भी मैं कंडक्ट करा चुका हूँ लैब में, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ये पूरा वीडियो देख सकते हो और अच्छी तरीके से इस प्रैक्टिकल को समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच सीव इज यूज इन फाइननेस टेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीमेंट की फाइननेस में हम कौन सी सीव का यूज़ करते हैं, उसका साइज़ क्या होता है। तो 90 माइक्रोन की सीव का हम यूज़ करते हैं, इसे हम 9 नंबर या 9 नंबर की सीव भी बोलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राइट द फाइननेस ऑफ ओ पी सी, आर एच सी एंड पी पी सी अकॉर्डिंग टू ब्लेन्स एयर परमिबिलिटी मेथड। हमारा जो हम सीमेंट की फाइननेस निकालते हैं सीव से निकालते हैं और ब्लेन्स एयर परमिबिलिटी मेथड से भी निकालते हैं। सीप से हम परसेंट में निकालते हैं, जो ब्लेन्स एयर परमिबिलिटी मेथड होता है उससे हमने जो यूनिट रहता है वो रहता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। तो ओपीसी की जो फाइननेस होती है 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की जो फाइननेस होती है वो 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, पीपीसी की जो फाइननेस होती है वो 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, लो हीट सीमेंट की जो फाइननेस रहती है वो 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। मतलब 1 ग्राम जो सीमेंट है उसका जो उसको हम इस तरीके से स्प्रेड करें कि सिंगल पार्टिकल ही सरफेस पर लाई करें तो हमारा 1 ग्राम सीमेंट इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को ऑक्यूपाई कर सकता है, इसका मतलब ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है, व्हाट इज़ द बल्किंग ऑफ सैंड। बल्किंग ऑफ सैंड होती क्या है। इन बल्किंग ऑफ सैंड, वॉल्यूम ऑफ सैंड इज इंक्रीज ड्यू टू एनवायरमेंट मॉइस्चर टू इट्स ड्राई वॉल्यूम। बल्किंग ऑफ सैंड में क्या होता है, जो हमारा सैंड है वो एनवायरमेंट से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके अपने ड्राई वॉल्यूम से, ड्राई वॉल्यूम की कंपेरिजन में बल्क हो जाते, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बल्किंग ऑफ सैंड, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा बल्किंग ऑफ सैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है इंटरव्यू में आपके लिए कि वाई बल्किंग टेस्ट ऑफ सैंड इज नेसेसरी। बल्किंग टेस्ट क्यों ज़रूरी है, इसे हम क्यों करते हैं। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि इस टेस्ट को हम क्यों करते हैं, तो ये सारी चीज़ आप प्रिपेयर कर लें कि इस टेस्ट को हम क्यों करते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा, टू डिटरमाइन द परसेंट ऑफ बल्किंग ऑफ सैंड वी कैन ऐड मोर अमाउंट ऑफ सैंड इक्वल टू बल्किंग परसेंट ऑफ सैंड। इससे हम इसलिए करते हैं कि इस टेस्ट में हम पता कर लेते हैं कि हमारी सैंड इतना परसेंट बल्क है, तो हमारी सैंड जितना परसेंट बल्क होती है उतना ही हम इसके अंदर क्या है मोर सैंड ऐड कर देते हैं। जब हम कोई भी सीमेंट कंक्रीट का कोई भी हम मिक्सचर बनाते हैं तो हम इतना ही परसेंट उसमें जो सैंड है उसका वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, क्योंकि अगर नहीं बढ़ाएंगे तो सैंड का उसमें जो कंटेंट है वो कम रह जाएगा और हमारी जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो इफ़ेक्ट होगी, उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसलिए हम इसको करते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सीटी के डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।